आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अन्न महोत्सव के तहत राशन दुकानों पर हुआ आयोजन। देश के प्रधानमंत्री हर गरीब की थाली में अनाज देकर दूर कर रहे हैं परेशानी। पूर्व विधायक सोलंकी। सनावद नगर में शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सीधा प्रसारण हितग्राहियों ने सुना। नगर की 12 राशन दुकानों सहित ग्रामीण क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति के माध्यम से अन्न उत्सव का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 7 की राशन दुकान के अंतर्गत आयोजन के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी थे, जहां सोलंकी ने राशन बांटने के बाद अपने उद्बोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीब परिवार के सपने को साकार करते हुए सबको भोजन और पर्याप्त पोषण के तहत जो अन्न उत्सव का आयोजन किया, उससे हर गरीब की थाली तक राशन और अनाज पहुंच रहा है। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से हालात बने, उसके बाद हर व्यक्ति के लिए समस्या दिख रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने गरीब परिवार के लिए सोच रखते हुए अन्न योजना के जरिए जो कार्य किया, उसके बाद हर देशवासी उनका आभार व्यक्त कर रहा है। वहीं नगर में अन्य योजना के अंतर्गत अंजुमन भवन, खरगोन रोड, रेलवे ग्रेट, फ्रीगंज सहित अन्य राशन दुकानों पर आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान अतिथि के रूप में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामचरण कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष श्याम पुरोहित, कमल बिरला, प्रभात उपाध्याय, मनीष जैन, रशीद जोया, राहुल हिरोडिया सहित नगर पालिका के श्याम सिंह चौहान, राजेश सोनी, राजा जोशी अन्य अतिथि मौजूद थे। वहीं राशन दुकान के अन्ना निगम राजू गढ़वाल, मुनव्वर पटेल, आशीष शुक्ला ने सभी हितग्राहियों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कहीं राशन दुकान पर तिलक से स्वागत किया गया तो कहीं गुब्बारे लगाकर उसे सजाया गया। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। और आपदा में से बड़वा विधानसभा के अंतर्गत देश को भी बाहर निकाले, हर परिवार को बाहर, लगभग सभी राजेंद्र जी कंट्रोल दुकानों पर और सोसाइटियों में जहां पर खाद्यान्न का वितरण होता है, वहां पर सभी जगह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और हम लोग भी आए सनावन नगर में। ये वार्ड 7 की जो कंट्रोल दुकान है, यहाँ पर अन्नोत्सव मना रहे हैं। साथ में मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की योजना चलाई, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। और उनके अंतर्गत गेहूं और चावल और जो कंट्रोल दुकानों पर सामग्री होती है वो प्रत्येक परिवार को दी जाएगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि प्रति व्यक्ति प्रत्येक परिवार में देने के कारण उस परिवार में किसी भी प्रकार की खाने पीने की समस्या नहीं आती है और उसी कारण इस कोरोना काल को लोग बहुत सरलता से देख रहे हैं और उसका सावधानी से रखने के कारण उपचार भी चल रहा है उन लोगों का। हम लोग आज प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर आकर जो इस वार्ड से संबंधित है, जिनका राशन कार्ड है, उन लोगों को यहाँ पर राशन देकर उसके परिवार का भरण पोषण जो भी होता है उसमें सहयोग कर रहे हैं और उसी कारण आज यहाँ पर जनता उपस्थित है। उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों का धन्यवाद करते हैं कि इस प्रकार की उन्होंने योजना चलाई। बहुत बहुत बधाई।